हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यासरली क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, बात करेंगे कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर्म्स कब आएंगे, जामिया एंट्रेंस फॉर्म्स कब आएंगे। सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसी से रिलेटेड कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस की डेट्स कब आएंगी, एंट्रेंस के फॉर्म्स कब आएंगे, किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस एग्जाम्स में किस किस चीज़ों का फॉर्म भरना है, ये सारे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बात करते हैं एएमयू एग्जाम एंट्रेंस फॉर्म्स कब आएंगे। ओके, एएमयू एंट्रेंस एग्जाम, एएमयू एंट्रेंस एग्जाम जो स्टूडेंट्स हमारा होने वाला है 22-23, ओके, अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये कब होगा। सर सीयू सेट होगा एएमयू में यूजी कोर्सेज के लिए या फिर जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। सो स्टूडेंट्स, एएमयू ने साफ मना कर दिया कि हम सीयू सेट से एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे। ओके, सो जैसा होता था एंट्रेंस एग्जाम वैसा ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर सर हम सीयू सेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब हमारा एएमयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आएगा। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये मार्च के एंड तक, मार्च एंड तक मोस्ट प्रोबेबली जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सब एंट्रेंस एग्जाम्स के एग्जामिनेशन फॉर्म्स, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न ये है कि भाई उसके बाद हमारे 3 अप्रैल से, इंशाल्लाह 3 अप्रैल से रमदान का महीना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उससे पहले पहले आने के हमारे चांसेस हैं कि भाई जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, उन सब की डेट्स आ जाएंगी कि भाई एग्जाम फॉर्म्स आ जाएंगे और डेट्स आ जाएंगी कि उनका एग्जाम कब होगा। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपका पूरा अप्रैल में रमदान होंगे, फिर ईद का, ईद आ जाएगी, उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा। ओके, एंट्रेंस की डेट्स की बात अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका जुलाई में होने के चांसेस हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में आपके एंट्रेंस होने के चांसेस हैं। तो जो आपके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स, वो मार्च एंड तक आ जाएंगे या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, या तो मार्च एंड में आ सकते हैं स्टूडेंट्स या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं एंट्रेंस से रिलेटेड, वो सारे के सारे इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो आप किसी बात से परेशान ना हो, किस तरीके से एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए भी आपको वीडियो बनाकर दी जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स सीयू सेट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो कैसे प्रिपरेशन होगी। अब स्टूडेंट्स आपको जो पार्ट ए है, ओके, पार्ट ए जो कंपलसरी है, पार्ट ए, उस पार्ट ए के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स जीके है आपका, जीके एंड करंट अफेयर्स है, ठीक है। आपके पास स्टूडेंट्स रीजनिंग है, रीजनिंग, ओके, और उसके बाद जो आपके पास पार्ट है स्टूडेंट्स वो है क्वांट्स का, ठीक है, क्वांट्स, ओके। कंप्यूटर्स रिलेटेड थोड़ा सा कुछ पूछा जा सकता है, तो ये आपका पार्ट ए है। पार्ट बी आपका स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स रहेंगे स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए तो ऑलरेडी आपने 11th 12th में जो पढ़ा होगा उन्हीं से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। सो ये मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि भाई हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म कब आ सकते हैं, कब इसके चांसेस हैं। तो बी प्रिपेयर स्टूडेंट्स, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उस दिन अफरा तफरी बच्चा करता है तो कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर उसे गलती हो जाती है बट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में। तो सुकून के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रखें, उनकी स्कैन कॉपीज रखें, क्योंकि स्कैन कॉपीज ही लगती हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी उनकी रखें, ओके, बिल्कुल सही फॉर्मेट में, कि जिस फॉर्मेट में मांगा जाता है उसी फॉर्मेट में, ताकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसमें कोई भी गलती ना हो। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियोस, अपडेट्स हम लेकर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।